डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्स नोर गेट। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ये लास्ट गेट है आपका। इससे पहले आपको बेसिक गेट में आपका नोट गेट, एंड गेट और गेट, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़े थे यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में कौन कौन से आपके नैंड गेट और नोर गेट। और आप एक्सक्लूसिव गेट पढ़े थे उससे पहले वाले लेक्चर में, क्या पढ़े थे आप, एक्स और गेट। तो आज पढ़ रहे हैं हम एक्स नोर गेट। तो इसमें देखते हैं पहला, ठीक है। नोर गेट है ना, तो इसका पहला पॉइंट लिखिए, इसका पूरा नाम एक्सक्लूसिव नोर गेट होता है। दूसरा पॉइंट, इसे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। एक डॉट को किसका है, सर्किल के अंदर बंद कर दो तो क्या मिलता है, एक्स नोर गेट, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, इसमें क्या रहता है आपका, दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। दो इनपुट यानी कि दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो से अधिक इनपुट और आउटपुट कितना होगा, एक ही मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल से पढ़ने से पहले इसका आप सिंबल देख लीजिए। तो सिंबल के लिए क्या होता है, देखिए, ए एक्स नोर बी, ए एक्स नोर बी बराबर, अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार। अब इसके सिंबल की बात करते हैं, किसकी, सिंबल की। तो सिंबल कैसा होता है, देखिए, नोर गेट का सिंबल कैसा होता है ना, ये किसका रहता है आपका, नोर गेट का सिंबल, है ना। अब इसके साथ क्या लगा दो, एक्सक्लूसिव लगा दो, तो क्या रह जाएगा, ये ए बी, और ये क्या मिल जाएगा आपको, ए एक्स नोर बी, ए एक्स नोर बी, ठीक है। ये इतना समझ रहा है, ये क्या होगा इसका आउटपुट, क्या होगा आउटपुट। अब इससे भी तो मैं सर्किट बना सकता हूँ, इससे भी जो आपको सिंप्लीफाई आएगा, लॉजिकल सिंप्लीफाई में, तो इस तरीके से देखिए, ये भी बना दीजिए और अगला वाला आए तो उसे भी बना दे देना, तो और अच्छा होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए, ए डॉट बी, माना दो इनपुट कौन कौन से हैं, ए और बी। अब कौन सा गेट लग रहा है ये ए डॉट बी में, एंड गेट, तो एंड गेट लगा दो, एंड गेट, तो यहां क्या मिलेगा, ए डॉट बी, बात समझ पा रही है। अब दूसरा क्या है, ए बार बी बार, तो यहां से क्या करो, नोट गेट लगा दोगे तो यहां क्या मिलेगा बताओ, ए बार, ठीक है, और यहां से बी के साथ भी नोट गेट लगा दोगे तो क्या मिलेगा आपको, बी बार। अब ए बार बी बार का क्या हो रहा है, एंड गेट, तो इसके साथ क्या लगा दो, एंड गेट, तो यहां क्या मिलेगा, ए बार बी बार, ठीक है। अब इसके साथ क्या हो रहा, प्लस हो रहा है, तो प्लस का क्या लगा दोगे आप, और गेट, और आपका आउटपुट क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए बार बी बार, ए बार बी बार, है ना। तो ये समझ में आया आपका, कैसा है, देखो ए दो इनपुट है, ए बी, तो एक पहला क्या है, ए डॉट बी, तो एंड गेट लगा दिया, फिर उसके साथ मुझे चाहिए बार, तो क्या लगा दो, नोट गेट के साथ क्या लगा दो, एंड गेट, और एंड गेट फिर क्या हो रहा, और गेट, तो और गेट लगा दो, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये आपका सिंबल है, तो ये तो पेपर में आए, पेपर में तो आएगा इस तरीके का आएगा। अगर ये भी आप पूछने के लिए आ जाएगा एक्स नोर गेट को, तो अगर ये भी बना दे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके ट्रुथ टेबल,
ट्रूथ टेलिंग। अब देखो दो इनपुट है आपके पास, कितने दो इनपुट, इनपुट और ये कितना है आउटपुट, तो ए बी और आउटपुट क्या मिलेगा वाई बराबर ए एक्स नोर बी, तो कितना हो जाता है ए डॉट बी प्लस ए बार और बी बार। बात समझ में आ रही है, पहली कंडीशन क्या होगी जीरो जीरो फिर जीरो वन फिर वन जीरो फिर वन वन, तो कितना है आपका ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार। तो देखो ए बराबर पहली कंडीशन का हो पहली पर, तो ए बराबर कितना है जीरो बी बराबर जीरो, तो ए बराबर जीरो रखो जीरो इंटू जीरो, बात समझ में आ रही है जीरो इंटू जीरो। अगर फिर इनका बार करोगे ए का बार कितना हो जाएगा वन और बी का बार भी कितना हो जाएगा वन, तो जीरो प्लस क्या हो जाएगा वन, जीरो प्लस वन क्या होगा आपका वन, क्लियर। फिर दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में क्या होगा ए बराबर कितना है जीरो, बात समझ आ रही है बी बराबर कितना है वन, तो कितना आ जाएगा वन प्लस ए बार ए ए बराबर कितना जीरो, तो ए बार बराबर कितना हो जाएगा वन, बी बार बराबर बी का कितना है वन और बी बार कितना हो जाएगा जीरो, तो कितना हो जाएगा जीरो प्लस जीरो है ना, तो जीरो प्लस जीरो क्या होता है जीरो। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए ये वाली कंडीशन, तो ए बराबर कितना है वन बी बराबर कितना है जीरो, अब ए बराबर कितना वन तो ए बार कितना हो जाएगा जीरो, बी बराबर कितना है जीरो तो बी बार बराबर कितना हो जाएगा वन, तो कितना आ जाएगा वन जीरो प्लस जीरो बराबर कितना आ जाएगा जीरो है ना। दूसरा देखिए लास्ट, लास्ट कंडीशन कितनी होती है वन, ए बार बराबर कितना है वन और बी बराबर भी कितना है वन प्लस और ए बराबर कितना है वन तो ए बार बराबर कितना हो जाएगा जीरो इंटू बी बराबर कितना है वन और बी बार बराबर कितना हो जाएगा आपका जीरो, तो कितना आ जाएगा वन प्लस जीरो और वन प्लस जीरो कितना होता है वन। अब देखिए ये समझ में, देखो अब आउटपुट हाई का भी मिल रहा है, आउटपुट हाई का भी मिल रहा है जब दोनों इनपुट क्या हो आपके सेम हो, या तो जीरो जीरो हो या फिर वन वन हो, और नैन गेट एक्स और गेट में क्या था आपके यहाँ क्या मिल रहा था इनपुट लो मिल रहा था, तो ये उसका उल्टा हुआ है ना। तो इसका पहला पॉइंट लिखिए, जब दोनों इनपुट सेम हो तो ब्रैकेट में लिख लीजिए सेम की जगह क्या, तो जीरो जीरो हो या वन वन हो तो आउटपुट हाई प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होता है हाई, कैसा प्राप्त हो रहा हाई यानी कि वन प्राप्त हो रहा हाई प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब जब लो कब मिलेगा दोनों इनपुट क्या हो चेंज हो तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा आपको लो, जब दोनों इनपुट चेंज मतलब जीरो या वन हो तो आउटपुट लो प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होता है लो प्राप्त होता है, क्लियर है इतना ठीक है। तो देखो हाई कब मिल रहा है जब दोनों इनपुट सेम होंगे, और लो कब मिलेगा जब दोनों इनपुट चेंज होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्या देखिए क्या देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, कितना ए बी प्लस ए बार और बी बार, ट्रुथ टेबल क्या थी आपके जीरो जीरो वन जीरो वन और वन जीरो और वन वन, तो कितना मिला था वन जीरो जीरो वन, ये ए बी और ये आपका वाई ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या है
कोई बल्ब है ना, और ये मेरे पास क्या है सोर्स, बात समझ रही। तो दो स्विच लगाओ, एयर और गेट क्या है, अब इसके साथ दो स्विच और लगाओ, ये क्या हो गया आपका बल्ब, ठीक है, और ये आपके इनपुट है। तो इनपुट देखो इससे ये क्या होगा आपका ए बी बार, ए बी बार फिर, और ये क्या होगा आपका ए बार बी, ए बार बी। अब ध्यान से देखना ध्यान से, ठीक है, पहला क्या है जीरो जीरो, तो ए बराबर क्या है जीरो और बी बराबर भी क्या है जीरो। तो अब इसका ए बार देखोगे तो कितना मिलेगा वन, और बी बार बराबर देखोगे तो कितना मिलेगा वन, इस कंडीशन के लिए, पहली के कंडीशन के लिए। तो ए की जगह क्या रखोगे जीरो, तो यानी कि ओपन, बी की जगह भी क्या रखोगे बी बार है, तो बी बार की जगह ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड। अब देखो ए की जगह ए बार क्या है, ए बार वन, तो ये क्लोज्ड, और बी क्या है जीरो, तो ये क्या हो जाएगा ओपन। तो करंट का पाथ देखो, करंट का पाथ क्या होगा, ये यहां से गया, ये यहां से, ये पाथ क्या होगा, ये करंट का पाथ। तो आपका आउटपुट यहां से बल्ब ऑन होगा, वो बिल्कुल होगा, तो आउटपुट कैसा मिलेगा आपको हाई, कैसा मिलेगा हाई। अब देखो दूसरी कंडीशन, कैसी कंडीशन, दूसरी कंडीशन है ना, जब दूसरी कंडीशन देखोगे तो ए बराबर कितना है जीरो और बी बराबर कितना है वन, तो ए बार बराबर कितना हो जाएगा वन और बी बार बराबर कितना हो जाएगा जीरो। तो देखो ए की जगह तो ये ओपन रहेगा, ए की जगह ओपन, और बी बार कितना है जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ओपन। तो यहीं से समझ जाओ, जब आगे यहाँ तक करंट आएगी, फिर उसके बाद यहाँ से ओपन सर्किट है तो आगे को जाएगी नहीं, तो कितना मिलेगा आपको जीरो, कितना मिलेगा जीरो। तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन ए बराबर कितना है जीरो, बी बराबर कितना है, ए बराबर वन बी बराबर जीरो, तो ए बार बराबर कितना हो जाएगा जीरो, बी बार बराबर कितना हो जाएगा वन। तो ए की जगह यहाँ क्लोज करो, ठीक है, बी जीरो, बी बार है तो बी बार की जगह क्या आ जाएगा ये बी बार, ये भी क्लोज, ठीक है। और अब देखो ए बार कितना है जीरो, तो ये ओपन, और बी कितना है जीरो, तो ये भी ओपन। तो करंट कहाँ तक पाथ फ्लो करेगी, इस पॉइंट तक, उसके बाद आगे जाएगी नहीं, तो बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा आपका ऑफ, क्या हो जाएगा ऑफ। तो क्या मिलेगा देखो, पहली कंडीशन में क्या मिला वन, फिर दूसरी में जीरो, फिर दूसरी इसमें जीरो, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको ऑफ, क्या मिलेगा लो पर, ठीक है। अब देखो तीसरी लास्ट कंडीशन, ये वाली, यहाँ क्या है वन और यहाँ भी क्या है वन, ए बराबर वन बी बराबर वन, तो ए बार कितना हो जाएगा जीरो और बी बार भी कितना हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से देखो ए कितना है आपको क्लोज, और बी क्या है आपको बी, ये क्या है बी बार, तो बी बार कितना है आपका ओपन, तो इसे ओपन करो, है ना। ए बार कितना है जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा ओपन, और बी ओनली कितना है क्लोज। तो देखो करंट का पाथ क्या होगा, यहाँ से करंट इधर को ट्रेवल करती हुई, ये यहाँ और ये आपको हाई पर, कितना हाई, बल्ब ऑन हो जाएगा, तो आउटपुट कैसा मिलेगा आपको ये, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो उसके बाद हम देखते हैं इसका, इतने समझ में आ गया होगा ये इसका इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो पहला देखिए एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में क्या है, पहला देखिए, पहला क्या होगा आपका, जैसे एक्स और गेट किसके लिए यूज हो रहा था, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर के लिए। तो आपका जो एक्स नोर गेट है ये होता है पैरिटी चेकर और पैरिटी जनरेटर में, ठीक है। तो इसका पहला लिखिए एज इवन पैरिटी जनरेटर, ठीक है। दूसरा एज इवन पैरिटी चेकर में, तीसरा होता है एज कंपैरेटर, ये इसके यूज है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।